करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो जगह यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए गए हैं। दे का पसावा है यहाँ पे 50 किलो सीरा पक रहा है। अब सीरा पक चुका है, अब उसे हम चार जगह बांटेंगे। अब यहाँ पे चावल बॉईल करेंगे जर्दे के लिए 50 किलो एक ही जगह। अब हम डाल चुके हैं चावल उबालने के लिए 50 किलो एक ही जगह एक ही बर्तन में। लौंग और इलायची डालकर यहाँ पर हम चावल बॉईल कर लेंगे। अभी हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसको चार जगह बराबर बांट देंगे, सब में बराबर डाल देंगे, चारों भगोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। अब चावल डाल दिए हमने इसमें बराबर, अब इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसको अच्छी तरह चूल्हे पर पका के अच्छी तरह मिलाएंगे, फिर दम पे लगाएंगे। अब हम दम पे लगाएंगे इसको कम से कम एक घंटा, एक डेढ़ घंटा इसको दम पे लगाएंगे। ये 12 किलो है एक भगोने में, 12.5 चार भगोने में। अभी हमारा एक घंटा हो चुका है दम पे लगा हुआ जर्दे को। अभी हम चेक करेंगे, हम जर्दा चेक कर रहे हैं। ये हमारा जर्दा तैयार है माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया जर्दा आया है हमारा। अब हम इसको 2 किलो देसी घी लगा के इसमें इसको जर्दे को खोल देंगे। ये हमने लगाया 2 किलो देसी घी, 12.5 किलो जर्दे में 2 किलो देसी घी। ये हमने इसको अच्छी तरह फैला के चारों तरफ से देसी घी लगा रहे हैं, बढ़िया करके समय फैल जाएगी देसी घी। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे हम लोग। अब हम इसको अच्छी तरह मिलाते हैं कगबीर से बढ़िया करके, ये जर्दा भी खुल जाएंगे हमारे माशाल्लाह, बहुत बढ़िया जर्दा है, मुलायम जर्दे हैं, बहुत बढ़िया जर्दे हैं। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया जर्दा है। चलिए भाई लोगों, अब करते हैं जर्दे का सिंगार। पहले लगाते हैं मावा, ये लगाया हमने मावा। अब लगाएंगे मुरब्बा, ये हमने लगाया मुरब्बा। अब हम इसमें लगाएंगे काजू बादाम। अब ये हो गया हमारा जर्दा कंप्लीट, बहुत बढ़िया। भाई लोगों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया भाई।